अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो तो देखें जी, यहाँ पे मैं आपको रेसिपी बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े की, यम्मी टेस्टी, सब बड़ों की बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, आलू वाली चावल। तो ये ऑप्शनल है, आप जिस मर्जी शेप में काटें इनको। मुझे ये शेप पसंद थी तो मैंने इसी शेप में काट लिए। तो जी आलूओं का मैंने काट लिया था और प्याज का भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। और देखें जी, प्याज यहाँ फ्राई में मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था और यहाँ पे मुझे सिर्फ इनको एक लाइट ब्राउन सा कलर देना था, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना था। तो यहाँ मेरे पास थी टमाटर, तीन बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने बारीक बारीक से काट लिए थे। तो बाकी टमाटर मैंने फ्रीज़ किए होते हैं ताकि गर्मी की वजह से वो गल ना जाए। तो यहाँ थी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, और सब्ज़ मिर्चें भी स्टोर करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इनको एक टिश्यू पेपर में रैप करके आप किसी भी बॉक्स में डाल के रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगी। यहाँ प्याज हमारे पास हो गया था लाइट ब्राउन, तो इसको मैंने दो तीन दफ़ा हला लिया था। और इसमें मैंने ऐड कर दिए थे आलू, और आलूओं का मैंने ऑयल में तड़का लिया था। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त ही ये लुक आ रही है और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो देखें जी, जैसे ही आलू कहते थे हमने अकेले नहीं तड़पना, तो इसमें मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर और मिर्चें जो कि मैंने काट के रखी थी। तो देखें जी उनका भी कलर, कितनी ज़बरदस्त सी ये लुक आ रही है यहाँ पर। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक और कुटी मिर्च और चुटकी सा गरम मसाला। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको पीसी मिर्च और हल्दी नहीं ऐड की क्योंकि मुझे वो कलर नहीं चाहिए था। तो यहाँ मैंने ऐड किया थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और क्योंकि चटपटे चावल बनाने थे ना, तो थोड़ा सा ऐड किया अचार, नेशनल का मिक्स जो अचार है वो मैंने ऐड किया था। तो इनको मैंने अच्छे से हला लिया था, और आलूओं को मैंने गलाना था तो इसमें मैंने ऐड किया था एक गिलास पानी ताकि आलू इसमें अच्छे से गल जाए। तो इसमें मुझे मिर्च कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी कूटी मिर्च और ऐड की थी। तो आलू देखें जी यहाँ पे गल चुके थे, तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और पानी को बॉईल करना था। चावल ऐड करने के लिए थोड़ी सी मिर्ची और नमक मैंने और ऐड किया था क्योंकि यहाँ पे कम था। तो मेरे पास था यहाँ पे पुदीना और धनिया, चटनी बनाने के लिए रायता बनाना था। तो सामान मैं लेके आई थी तो मैंने कहा चलो झटपट से चटनी रेडी कर लें। तो दही देखें जी यहाँ पे मैं इसको घर में जमाती हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से बाज़ार में अवेलेबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसको घर में ही जमा लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने ऐड किया था यहाँ पर दही, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना। दही ऑप्शनल है, कुछ लोग टमाटर ऐड करते हैं आपकी। मैंने यहाँ पे दही ही ऐड किया था, तो नमक ऐड नहीं किया था, वो जब जब हमें चटनी की ज़रूरत होगी तो हम उसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने जो चटनी थी उसको क्यूब्स में बना लिया था और इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो चावल का पानी बॉयल हो चुका था, उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थे। तो देखें जी यहाँ पर अगर चावल आपके थोड़े से ऊपर हों तो इसका मतलब है कि आपके पानी आपके चावल की क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो रायते के लिए मैंने प्याज को ऑलरेडी मैंने कश कर लिया था क्योंकि इसमें करवाहट होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखें जी यहाँ पे ये खीरे को भी मैंने कश कर लिया था। तो दही जो कि हमारा रेडी था ऑलरेडी, और इसमें मैंने चटनी ऐड कर ली थी। तो जो प्याज और खीरा मैंने कश किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो क्योंकि ये जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े के व्लॉग्स देखें। तो देखें जी यहाँ पे नींबू था मेरे पास, इनका मैंने निकाल लिया था रस, और ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था तो बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा रस इसमें निकल आता है। तो चावल भी हमारे जो कि मैंने दम पे लगाए थे हमारे रेडी थे, तो जैसे ही ये रेडी होंगे तो मैं आपको इन्हें दिखाऊँगी इनकी फ़ाइनल लुक। तो देखें जी यहाँ पे क्यूब्स मैंने बना ली थी नींबू की, और जो चावल थे वो भी मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, और लाइट भी हमारी हो चुकी थी बंद। तो क्योंकि लाइट का भी कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है। तो जिन लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वो प्लीज़ कमेंट्स में अपने अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ चावलों की फाइनल लुक। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त लुक बन रही है, और